हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ छोटा सा क्लिप लेकर के, ये रैन लिली के साथ में फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि मतलब कहते हैं कि कोई मौसम नहीं बारिश का। जब लोग जो है कूलर पंखा खरीदते हैं, तब जो है लोग त्रिपाल खरीद रहे हैं, मोमियां खरीद रहे हैं, त्रिपाल खरीद रहे हैं अपना घर ढकने के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए ढक लेने के लिए। कूलर पंखे के समय, इस समय त्रिपाल खरीदने का समय है। देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है, मौसम का किस तरह का मिजाज बदला है। लेकिन रैन लिली अपने आप में खुश है दोस्तों। देखिए कितनी प्यारी रैन लिली है, और पक्षी भी कितने खुश हैं कि अपनी आवाज़ में काँव 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 करने में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स, लाइक करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो आप ज़रूर ही करें। और देखिए कितना सुंदर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि अपने अपने बच्चों को ज़रूर नेचर के बारे में बताएं कि हमारी सरकार भी कहती है कि पेड़ पौधों को कम काटें, तभी हम इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि अन्यथा हम लोग नहीं बच सकते हैं। इतना बेसमय मौसम की बारिश होना, ये हम ही सब लोग मिल करके नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तभी झेलना तो हम ही लोगों को पड़ेगा। क्योंकि पौधों की, पेड़ों की ऐसी कटान करते हैं, जहाँ देखो वहाँ कटान कर देते हैं, काटते रहते हैं। तो नेचर का स्वाभाविक मौसम है कि इस तरह से कभी ना कभी जब हम उनको नुकसान नेचर को पहुँचाएँगे तो ऑटोमेटिक वो हम लोगों को नेचर को नुकसान ज़रूर पहुँचाएगी। तो इसलिए है पेड़ पौधे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लगाएं, घर के आसपास लगाएं। क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को कि घर के आसपास उसको पक्का करवा देते हैं। फ्रेंड्स, अब पक्का करवा करके कि अरे मिट्टी नहीं आए ये, तो जब पानी, हमारा पानी भी है, जब बारिश होती है तो पानी भी हमारा जब ज़मीन में नहीं सोखेगा तो वाटर लेवल भी नहीं ऊपर आएगा। तो अपने घर के आसपास कच्चा थोड़ा बहुत ज़रूर रखें, क्योंकि मिट्टी में ही सब कुछ है। अगर ये सब नहीं होगी, बच्चों को ज़रूर प्रेरित करें, नहीं कुछ करें तो थोड़ा थोड़ा उनको हर बर्थडे में उनका एक पौधा को गिफ्ट करें, और एक पौधे को गिफ्ट करने के बाद में फिर बच्चों को इस बारे में बताएं कि बच्चों से बर्थडे में पौधे ज़रूर लगवाएं।